हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टोयोटा इटियोस के बारे में। तो ये गाड़ी जो है बीच रास्ते में बंद हो गई थी, तो मैं इसको चेक करने आया था। इस गाड़ी को मैंने स्कैन वगैरह किया, जिसमें ये देखिए कोड आ रहा था, तो इसको हमने चेक वगैरह किया कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो गाड़ी चलते चलते एकदम बंद हो गई, उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई, और गाड़ी में जो है चेक इंजन की लाइट आ रही थी। तो हमने गाड़ी को डायग्नोज किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इसमें ये कोड आ रहा है। तो हम कोड को जैसे भी डिलीट कर देते थे, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमने गाड़ी को डायग्नोज किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, और गाड़ी जो है बीच रोड में बंद हो गई थी। गाड़ी वर्कशॉप से काफ़ी दूर थी, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करके वर्कशॉप में लेके गए। फिर उसमें फॉल्ट था वो बता देते हैं आपको, इसमें क्या फॉल्ट था, आपको उसको कैसे डायग्नोज करना है कि ये फॉल्ट आए तो आपको क्या करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम बार बार क्लियर करते थे कोड को, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और कोड जो फिर दोबारा आ जाता था। देखिए, हम क्रैंकिंग करेंगे जैसे, तो हमारी जो है लाइट फिर आ गई, देखिए, और गाड़ी जो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसमें सेम कोड आ रहा है बार बार। क्लियर कर देते हैं, फिर भी सेम कोड रहता है। और इस कोड जो ये कोड है किस चीज़ का, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि ये कोड है जो क्या है। तो देखिए, तो इस कोड को हमने रिमूव किया। तो देखिए, हम यहाँ पे क्रैंकिंग करते हैं पहले, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो 2 नंबर का क्लिप है इंजेक्टर का, उसको निकाल देते हैं। 11,000 के आसपास जैसे हम 2 नंबर का इसका कपलर निकालेंगे, तो हमारी गाड़ी जो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लगाइए सर, चलिए। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हमने 3 सिलेंडर पे गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। देखिए, इसका जो 2 नंबर का कपलर है उसको हमने निकाल दिया है। तो हम इस गाड़ी को जो है वर्कशॉप तक ले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है रास्ते में, बीच रास्ते में खड़ी है। तो देखिए, रास्ते में खड़ी थी गाड़ी, तो हम गाड़ी को जो है वर्कशॉप तक लेके गए 3 सिलेंडर पे। जो 2 नंबर का इंजेक्टर था इसका, वो सिलेंडर था वो काम नहीं कर रहा था, तो इसमें चेक इंजन की लाइट भी आ रही थी। तो हम गाड़ी को जो है वर्कशॉप तक लेके आए, उसमें जो फॉल्ट था उसके बारे में था। देखिए, जैसे गाड़ी हमारी स्टार्ट है, जैसे हम इसका 2 नंबर का क्लिप लगाएंगे, तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, गाड़ी जो है बंद हो चुकी है। इसमें फॉल्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 नंबर में क्या दिक्कत आ रही है, तो हम इस मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे, इंस्टॉलेशन टेस्टर से इसको चेक करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, जो रेड वाली वायर है इसकी, वो इंजेक्टर के अंदर लगा देते हैं, जो उसके क्लिप बने हुए हैं अंदर, उसमें लगा देते हैं, और दूसरे को बॉडी से टच करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो दोस्तों देखिए, जो 2 नंबर इंजेक्टर है इसका, वो शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए, 2 नंबर इंजेक्टर शॉर्ट हो चुका है। देखिए, 2 नंबर इंजेक्टर हमारा शॉर्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको ये टेस्टर ख़रीदना है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ख़रीद सकते हो, लिंक मैंने दे रखा है। तो दोस्तों, इसका जो है 2 नंबर इंजेक्टर ख़राब था, तो उसका हमने खोला इंजेक्टर को, हमने खोल लिया। उसके बाद इसको चेंज किया इंजेक्टर को, इसकी जगह दूसरा इंजेक्टर डाला। तो खोले थे इंजेक्टर को हम, देखिए, तो इंजेक्टर को हमने खोला, उसके बाद दूसरा इंजेक्टर लगाएंगे हम इसमें। तो देखिए, हमने दूसरा इंजेक्टर लगाया इसमें, तो हमने इसमें दूसरा इंजेक्टर लगा दिया, और गाड़ी को अब स्टार्ट करके देखते हैं, उसकी ड्राइव वगैरह लेते हैं, इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। थोड़ी एयर वगैरह निकाल लेते हैं पहले इसकी, इंजेक्टर की। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, तो हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ओके हो गई स्टार्ट। उसके बाद हमने इसको ट्राई किया, देखिए, तो गाड़ी की पिकअप वगैरह बिल्कुल ओके थी, कोई चेक इंजन की लाइट नहीं थी गाड़ी में, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो पिकअप वगैरह गाड़ी की बिल्कुल ओके थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।